कभी यह स्थान बहुत खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन आज इसे शैतानी रूहों ने अपने कब्जे में ले लिया है। यह आत्माएं इतनी खतरनाक और दुष्ट हैं कि दिन ढलते ही जो भी व्यक्ति अपनी मौजूदगी यहाँ दर्ज करवाता है, उसे वह अपना शिकार बना लेती हैं। बहुत से लोग हैं जिन्हें आत्माओं, पारलौकिक शक्तियों और शैतानी ताकतों जैसी किसी भी चीज पर विश्वास नहीं होता। वह ऐसी बातों को मनगढ़ंत मानकर झुटला देते हैं। लेकिन यह भी सच है कि किसी के झुटलाने या टाल देने से सच नहीं बदलता। भोपाल के शिवपुरी में स्थित 2100 साल पुराना किला एक जमाने पहले बेहद खुशनुमा हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ रात तो क्या दिन में भी कोई आने का साहस नहीं करता है। लोगों का कहना है कि यहाँ रात के समय घुंघरुओं की आवाजें आती हैं, जो दूर दूर तक लोगों को सुनाई देती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिन ढलते ही यहाँ महफिल जमती है, जिसमें प्रेत आत्माएं शामिल होती हैं, और जिन जिन लोगों ने उस महफिल को देखा उनकी तुरंत ही मौत हो गई। भोपाल के शिवपुरी में एक छोटा सा कस्बा है पोहरी, जहां यह किला स्थित है। इस स्थान के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन जब से मीडिया में यहां होने वाली संदेहास्पद घटनाओं को प्रचारित किया गया है, तभी से लोगों को यह समझ आने लगा है कि यहां कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वे लोग जो भूत प्रेत और आत्माओं के होने जैसी बातों पर यकीन नहीं करते, अब तो वो भी इस किले को श्रापित समझने लगे हैं। इस स्थान की अपनी तो कोई पहचान नहीं है, लेकिन जब से इस किले के भूता होने की बात सामने आई है, तब से लोग पोहरी को पहचानने लगे हैं। पहले इस किले में दिन में स्कूल भी चला करता था, लेकिन जब बच्चों ने वहां कुछ अजीबोगरीब हरकतें महसूस की तो वहां स्कूल भी लगना बंद हो गया है। यह किला वीर खंडे राव का है, और लोगों का कहना है कि यहां जो महफिल जमती है वह वीर खंडे राव की सभा है। वहीं रात के समय अपनी नर्तकियों के साथ महफिल जमाते हैं। यहां रात को आत्माएं पूरे किले को अपने कब्जे में ले लेती हैं, और घनी झाड़ियों के बीच घिरे इस जंगल में अगर गलती से भी कोई रात के समय रुक गया तो उसका हश्र अच्छा नहीं होता है। स्थानीय लोगों का तो यह भी कहना है कि 2100 वर्ष पुराने इस किले में वीर खंडे राव का डेरा था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद यहाँ कोई परिवार कभी टिक नहीं पाया। कहते हैं एक परिवार ने यहाँ रहने का साहस किया तो पहले ही दिन घर की महिलाएं अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। उन्हें तंत्र विद्या से ठीक करवाया गया। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि इस किले के भीतर खजाना छिपा है, जिसकी रक्षा यहाँ भटकने वाली आत्माएं करती हैं। लेकिन सच क्या है, इसका पता लगाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती है।